सेक्टर 109 द्वारका एक्सप्रेसवे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको हर सेक्टर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक एक छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट आपको जो उस सेक्टर के अंदर लॉन्च है या उसकी कोई भी स्थिति आज की है वो मैं सब आपके सामने लेकर आऊँगा। और आज मैं आपके सामने सेक्टर 109 लेकर आया हूँ, इसकी एक एक छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी इन्फॉर्मेशन, जिसमें हर प्रोजेक्ट और फिर उसके साथ कनेक्टिविटी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, उन सब के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सेक्टर 109 द्वारका एक्सप्रेसवे का अपने आप में दिल्ली से लगता हुआ तीसरा राइट हैंड साइड पे पड़ने वाला सेक्टर। सेक्टर की खास बात यह है कि यहाँ पर ऑलरेडी आबादी काफ़ी बस गई है। जब आबादी बस जाती है तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी शुरू हो जाती हैं, तो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से यह सेक्टर एक प्राइम लोकेशन के ऊपर सिचुएटेड है। अगर हम NH-48 की बात करें, जो पहले NH-8 के नाम से जाना जाता था, उस पर जो लोकेशन इफ्को चौक की है, मतलब दिल्ली से जो दूरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसी के पैरेलल में ये द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर सेक्टर 109 पड़ता है। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से भी बहुत दूरी नहीं है और एयरपोर्ट से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिली हुई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस हो, ये सब इस सेक्टर के अंदर ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आज मैं आपको मास्टर प्लान के अंदर, गुड़गांव के मास्टर प्लान में इसकी लोकेशन दिखाता हूं कि ये कहां पर है। अभी आप स्क्रीन पे मास्टर प्लान देख रहे हैं जिसमें सेक्टर 109 आपको दिख रहा है। अब बात करते हैं एरिया स्टेटमेंट की। जी हां, सेक्टर 109 टोटल 463.40 एकड़ का है और कमर्शियल की बात करें तो 74.05 इसके अंदर कमर्शियल एरिया है, और ग्रीन बेल्ट की बात करें तो 10.90 एकड़ इसके अंदर ग्रीन एरिया है। वहीं नेट प्लान्ड एरिया की बात करें तो 378.45 एकड़ इसके अंदर नेट प्लान्ड एरिया है। सेक्टर रोड इस एरिया के 26.20 एकड़ के अंदर है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सेक्टर रोड इसके अंदर कहां कहां से जा रही है, और ये इंटरनल रोड्स हैं जो 24 मीटर की हैं। जब 24 मीटर की बात आती है तो वो एरिया जो डेवलपर के पास था वहाँ 24 मीटर की रोड बन चुकी है, या जो पहले से कनेक्टिविटी थी, जो रेवेन्यू रोड था, वहाँ पर आप कनेक्टिविटी देख सकते हैं। लेकिन जहाँ डेवलपर के पास लैंड नहीं थी वहाँ 24 मीटर की रोड अभी भी नहीं बनी है। तो चूँकि ये लैंड पार्सल बहुत बड़ा था, चेंटर्स के पास था, जिसने कोलैबोरेशन किया अलग अलग डेवलपर से, चाहे वो शोभा है या ATS है, तो ऐसे प्रोजेक्ट जो कोलैबोरेशन में थे, जहां लैंड बैंक चेंटर्स के पास था, तो वहां पर डेवलपर ने लैंड हैंडओवर कर दी अथॉरिटी को और वो 24 मीटर की रोड वहां बन चुकी है। एक रेवेन्यू रास्ता था जो कि आप ATS कोकून और कैलेडियम के बीच में देख रहे हैं, ये ऑलरेडी बंद गया है क्योंकि ये ऑलरेडी रेवेन्यू रास्ता का पार्ट था। दूसरी 24 मीटर की रोड जो यूरो स्कूल है और इंटरनेशनल सिटी के बीच में जो रोड है 24 मीटर की, वो ऑलरेडी बन गई है। यही रोड आगे रहेजा के साथ होते हुए आगे तक जाती है, पर रहेजा के साथ वो नहीं बनी है क्योंकि वहाँ उसका लैंड एक्विजिशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। वहीं पर 24 मीटर की रोड आगे जाकर इंटरनेशनल सिटी के क्लब तक जा रही है, वहाँ से राइट टर्न लेंगे तो भी 24 मीटर की रोड बनी हुई है, और आगे टी पॉइंट पे आप देखेंगे तो ATS का टर्मोलिन प्रोजेक्ट है और उसके साथ में चिंटल्स का सेरेनिटी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर रोड बनी हुई है और यही रोड लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है तो 75 मीटर रोड कनेक्ट करती है, ये रोड भी पूरी तरह बनी हुई है। तो इस सेक्टर की खास बात यह है कि 24 मीटर की रोड काफ़ी हद तक बनी है, तो इंटरनल कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, इसीलिए ये सेक्टर एक अच्छा माना जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी के इश्यूज इस सेक्टर के अंदर ना के बराबर हैं, कोई विलेज भी सेक्टर के अंदर नहीं है। पहला प्रोजेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कॉन्शेंट वन मॉल। टोटल लाइसेंस एरिया इसके अंदर 8.393 एकड़ है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोजेक्ट डेवलप हुआ है वो है 3.13 एकड़। लाइसेंस नंबर इसका 102/2008 के अंदर इशूड है। टोटल इसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, ए, बी और सी। ए और बी पूरा रिटेल है, अगर सी ब्लॉक की बात करें तो नीचे रिटेल है, ऊपर ऑफिस स्पेस है और साथ में स्टूडियो अपार्टमेंट है।
स्टूडियो अपार्टमेंट के साइज 595, 695 और 795 स्क्वायर फीट, चूंकि ये रेरा आने से पहले बिके हुए हैं, तो ये मैं आपको सुपर एरिया के हिसाब से ही बता रहा हूँ। लॉन्च प्राइस यहाँ 11,900 का था, फर्स्ट फ्लोर 9,900 और सेकंड फ्लोर 7,900 का पर स्क्वायर फीट का यहाँ रेट था। सर्विस अपार्टमेंट की बात करें तो 6,900 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट था। ये मैं आपको बेसिक सेलिंग प्राइस बता रहा हूँ, इसमें आप एडिशनल चार्ज लगाएंगे तो करीब करीब 1,500-2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट ऊपर था। ये लॉन्चिंग प्राइस था जो कि 2014 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। टोटल यूनिट इसके अंदर 358 है, टोटल टावर जैसे मैंने बताया 3 ब्लॉक हैं इसके अंदर, और प्रोजेक्ट 2014 में लॉन्च हुआ और इसका पोजीशन 2020 के अंदर हुआ। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में ग्राउंड फ्लोर 35 से लेकर 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। वहीं रेंटल की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर का रेंटल 150 से लेकर 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक चल रहा है। वहीं फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो 25,000 से 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट रीसेल का रेट है। वहीं फर्स्ट फ्लोर के अगर रेंटल की बात करें तो करीब 80 रुपये से लेकर 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच का रेंटल है। सेकेंड फ्लोर जिसका रेट सेकेंडरी मार्केट में इस टाइम 15,000 से लेकर 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है और रेंटल यहाँ पर 50 से 75 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेंटल है। सर्विस अपार्टमेंट करीब 18,000 से 20,000 रुपये का इस टाइम रेंटल है। वैसे अब वो स्टेज आ गई है जब सर्विस अपार्टमेंट यहाँ चल सकते हैं। थोड़ा टाइम पोजीशन के बाद ऐसा रहा कि सर्विस अपार्टमेंट जिसने बाय किया था उसको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला, लेकिन जैसे जैसे कनेक्टिविटी खुल रही है वैसे वैसे अब इन पे भी अच्छा खासा रिटर्न आने की संभावना दिख रही है, क्योंकि एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इस एरिया में सर्विस अपार्टमेंट को अच्छा चलाएगी, तो यहाँ पे लोगों को अब अच्छा रेंटल भी मिलने के पूरे चांस है। सर्विस अपार्टमेंट का सेकेंडरी मार्केट का रेट इस टाइम 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है और सर्विस अपार्टमेंट के रेंटल की बात करें तो 20,000 से 25,000 है, जो अभी इसके अंदर आने वाले टाइम में रेंटल में मैं अच्छी खासी ग्रोथ देख रहा हूँ। जैसे जैसे कनेक्टिविटी होगी वैसे वैसे यहाँ रेंटल में भी ग्रोथ आएगी, क्योंकि कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से और साथ में IICC से ये इस एरिया को बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाली है। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट, मेरा न्यू स्क्वायर मॉल है जो कि 8.237 एकड़ का है। फेज वन की बात करें तो ये 3.089 एकड़ है और लाइसेंस नंबर इसका भी 102/2008 है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इकट्ठा लाइसेंस आया था। शुरू में कॉन्शेंट वन, न्यू स्क्वायर मॉल एक बीकॉन, ये तीनों एक लाइसेंस का पार्ट थे, लेकिन बाद में इसे अलग अलग डेवलप किया गया। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसका भी लाइसेंस 102 है, 2008 के अंदर इसका लाइसेंस आया था। टोटल बिल्टअप एरिया इसके अंदर 5,00,000 स्क्वायर फीट है और रिटेल की बात करें तो 1.80 लाख स्क्वायर फीट है, और वहीं रेस्ट एरिया इसके अंदर ऑफिस स्पेस का है। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 579 है और फ्लोर्स इसके अंदर 17 है। ऑफिस स्पेस इन्होंने 700 से 5,000 स्क्वायर फीट तक के बेचे हैं, मतलब जिसको जितना स्पेस चाहिए। मिनिमम एरिया की बात करें तो करीब 700 स्क्वायर फीट था, और एक पूरी फ्लोर प्लेट की बात करें तो ऑफिस स्पेस की फ्लोर प्लेट 17,800 स्क्वायर फीट की है। ग्राउंड फ्लोर पे टोटल यूनिट्स 98 है, मिनिमम 384 से, और एंकर स्टोर की बड़ी साइज़ की यूनिट होती है तो 23,121 स्क्वायर फीट का भी एरिया है। फर्स्ट फ्लोर की बात करें टोटल 50 यूनिट्स है, 140 स्क्वायर फीट से लेकर 34,760 स्क्वायर फीट तक है। सेकंड फ्लोर की बात करें तो 54 यूनिट्स है, 145 से लेकर 34,760 स्क्वायर फीट तक का एरिया है। वहीं थर्ड से फिफ्थ फ्लोर के बीच में फूड कोर्ट और एंटरटेनमेंट जोन है जिसके अंदर 400 से 700 स्क्वायर फीट के साइजेस हैं। प्रोजेक्ट की लॉन्च डेट 2014 थी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 2015 में, और कंप्लीशन की डेट जो है वो आने वाले और एक दो महीने में एक्सपेक्टेड है कि डेवलपर से पोजीशन मिल जाएगा। जब हमने डेवलपर से बात करी और रीज़न जानना चाहा कि आखिर डिले क्यों है, तो डेवलपर ने हमें बताया कि प्रोजेक्ट चूँकि एक्सप्रेसवे रेडी नहीं हुआ था तो डेवलपमेंट के हिसाब से ही प्रोजेक्ट का पोजीशन देना ज़रूरी था, क्योंकि जब तक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाएगा हम पोजीशन दे भी देंगे तो पहले ब्रांड नहीं आएंगे, और जिन्होंने प्रोजेक्ट लिया है, जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, उनकी मेंटेनेंस भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर मेंटेनेंस
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी पॉकेट के ऊपर। तो यहाँ मेंटेनेंस अगर शुरू हो जाएगी तो आप पे लोड बढ़ेगा, इसीलिए डेवलपर ने कहा हम प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस वे की डेवलपमेंट के साथ में लिंक करके इसका पोजीशन दे रहे हैं। आने वाले एक दो महीने में एक्सपेक्टेड है कि हम इस प्रोजेक्ट का पोजीशन भी ऑफर कर दें। अगला प्रोजेक्ट यशिका ग्रुप का प्लेटिना स्ट्रीट के नाम से है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है। टोटल इसका 3 एकड़ लैंड है और इसके अंदर 9 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर पे साइजेस जो हैं वो 800 स्क्वायर फीट से 40,000 स्क्वायर फीट तक के साइज है। प्राइस इसका 32,900 प्लस PLC या प्लस अदर चार्जेस साथ में। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की बात करें तो इसका प्राइस 29,500 रुपीस पर स्क्वायर फीट प्लस एडिशनल चार्जेस है। ये प्रोजेक्ट अभी ओरिजिनल बुकिंग में अवेलेबल है, यहाँ पर फ्रेश बुकिंग हो रही है। वो बात और है कि ये प्रोजेक्ट पहले गंभीर हाउसिंग के नाम से सेल हुआ था, उसके बाद SBTL ने इसे टेक ओवर किया और अब फाइनली ये यशिका ग्रुप के पास है जो इसे लॉन्च करके रेरा लाने के बाद इसको बेच रहा है। इसमें थर्ड से लेकर 9th फ्लोर तक का जो स्पेस है वो ऑफिस स्पेस का है। अभी जब हमने कंपनी में बात की तो उन्होंने बताया इसको हम अभी सेल नहीं कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग इसको रिटेन करने की है। जब फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि डेवलपर इसे सेल कर ले, लेकिन फिलहाल ये सेल के ऊपर ओपन नहीं है। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट है शोभा इंटरनेशनल सिटी। ये प्रोजेक्ट ज्वाइंट वेंचर पे है, शोभा और चिंटल्स ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है। इसे पूरा डेवलप किया है शोभा डेवलपर्स ने और टोटल लैंड की बात करें तो ये 150 एकड़ के अंदर है। इसका लॉन्च 2011 जुलाई के अंदर हुआ और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2016 में, 2 फेजेस में हुआ। फर्स्ट फेज जो है वो 2016 के अंदर इसका पोजीशन हुआ। और विला के साइज की बात करें तो यहाँ पहला साइज इसके अंदर 270 स्क्वायर यार्ड का है, टोटल यूनिट्स इसके अंदर 103 है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो विदाउट बेसमेंट का प्राइस 2.9 crore था और विद बेसमेंट का प्राइस 3.28 crore था। इसका फ्लोर प्लान और बिल्डिंग एलिवेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्लस एडिशनल चार्जेस 30-35 lakhs के थे, प्लस टैक्सेस थे। और आज की डेट में सेकेंडरी मार्केट के अंदर 6 to 6.10 crore डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन इसका प्राइस चल रहा है। नेक्स्ट साइज इसका 400 स्क्वायर यार्ड का है, टोटल यूनिट्स इसके अंदर 79 है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब 5.94 crore इसका बेसिक सेलिंग प्राइस प्लस एडिशनल चार्जेस था। आज के टाइम पे सेकेंडरी मार्केट पे ये 9.5 से लेकर 9.6 crore के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। इसका एलिवेशन और फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट साइज इसका 500 स्क्वायर यार्ड का प्रेजिडेंशियल विला, टोटल 92 यूनिट्स हैं। ये जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको फेज 1 और 2 दोनों मिला के बता रहा हूँ। प्राइजेस जब इनिशियल स्टेज पे आए थे तो मैं फेज 1 से कोरिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि आखिर कितना एप्रिसिएशन यहाँ आया है। लोगों ने जो बुक किया था थोड़ा सा लेट एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी हुई, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन लोगों को यहाँ मिला है। तो बात मैं 500 स्क्वायर यार्ड की कर रहा था, 500 स्क्वायर यार्ड की टोटल 92 यूनिट्स हैं। जब लॉन्च हुआ था तो 7 crore के आसपास इसका प्राइस था और आज की डेट में सेकेंडरी मार्केट के अंदर 12.25 से लेकर 12.50 crore का ट्रेड कर रहा है ये। इसका एलिवेशन और फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट साइज इसका 692, टोटल यूनिट्स 9 है इसके अंदर। जब बुक हुआ था इसका प्राइस 4-4.5 crore का था, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आज के टाइम पे 2 यूनिट, जैसे मैंने बताया बेसमेंट ग्राउंड एक के पास है, फर्स्ट सेकंड एक के पास है, तो करीब करीब 6.5 crore के आसपास का यहाँ रेट चल रहा है। इसका एलिवेशन और फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं ड्यूप्लेक्स विलास की, साइज 600 स्क्वायर यार्ड के ड्यूप्लेक्स विला की, टोटल 61 यूनिट्स है। सेकेंडरी मार्केट में जो अपर वाली यूनिट है उसका प्राइस 5.75 से लेकर 6.5 crore चल रहा है, वहीं लोअर वाली यूनिट जो है 6.2 से 6.5 crore चल रहा है। तो इसमें भी बेसमेंट ग्राउंड एक के पास है, फर्स्ट सेकेंड एक के पास है। ड्यूप्लेक्स विला में एक प्लॉट के अंदर 2 यूनिट्स हैं इसके अंदर। अब आप 600 स्क्वायर यार्ड ड्यूप्लेक्स का लोअर यूनिट का प्लान देख रहे हैं, लोअर ड्यूप्लेक्स जिसमें 2 फ्लोर हैं। दोनों फ्लोर के प्लान आप अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब आप 600 स्क्वायर यार्ड अपर ड्यूप्लेक्स के फ्लोर प्लान्स जो कि 2 फ्लोर्स के ऊपर हैं, तो दोनों फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
अगला साइज है हमारा 500 स्क्वायर यार्ड का, टोटल 22 यूनिट्स हैं इसके अंदर, और 5.70 से 6.4 सीआर के बीच में अपर यूनिट है, और लोअर यूनिट की बात करें तो करीब करीब 5.5 सीआर है। अब आप 500 स्क्वायर यार्ड के लोअर ड्यूप्लेक्स का फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो फ्लोर के ऊपर है और दोनों फ्लोर का प्लान इस पे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। अब आप 500 स्क्वायर यार्ड का अपर ड्यूप्लेक्स प्लान देख रहे हैं, दो फ्लोर के ऊपर है और दोनों फ्लोर के प्लान अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगला प्रोजेक्ट है ATS कोकून, ये भी रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 10 एकड़ के आसपास है, क्योंकि जब इसका लाइसेंस आया था तो ये प्रोजेक्ट और साथ में जो कैलेडियम बना हुआ आपको दिखता है, ये दोनों प्रोजेक्ट का लाइसेंस एक था। टिंटल्स ने कोलैबोरेशन किया था ATS के साथ इस प्रोजेक्ट में, और जो साथ में आप अलग से पार्सल देखते हैं कैलेडियम का, वो इंडिपेंडेंट सोल्ड किया गया था। तो ATS कोकून जैसे मैंने बताया चिंटू के साथ कोलैबोरेशन में था, अप्रॉक्सीमेटली 10 एकड़ का ये प्रोजेक्ट था। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो इसका प्राइस 35 से 4000 रुपीस पर स्क्वायर फीट के आसपास ATS ने सेल किया था, और चिंटल्स की जब बारी सेल करने की आई थी तो चिंटल्स ने 4350 रुपीस पर स्क्वायर फीट में सेल किया था इसे। टोटल इसके अंदर 444 यूनिट्स है, टोटल टावर 7 है, और जून 2011 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, और दिसंबर 2015 के आसपास इसका पोजीशन भी हो गया था। इसके अंदर 3 BHK 1745 स्क्वायर फीट का है, जिसे आप कहें तो डेवलपर ने नॉन ग्रीन फेसिंग को 1745 स्क्वायर फीट बनाया था और ग्रीन फेसिंग यूनिट को 2095 स्क्वायर फीट बनाया था। स्क्रीन पे 1745 का इस टाइम आप फ्लोर प्लान देख रहे हैं। इसका सेकेंडरी मार्केट का प्राइस 1.75 सीआर है, और 3 BHK लार्ज जो कि 2095 स्क्वायर फीट का है, जिसका आप स्क्रीन पे आप फ्लोर प्लान देख रहे हैं। इसका सेकेंडरी मार्केट का प्राइस 2.15 सीआर है। वहीं 4 BHK जो कि 3045 स्क्वायर फीट है, यहाँ पर खास बात यह है कि ये 2-2 का कोर है, एक फ्लोर पे दो ही अपार्टमेंट है, बाकी जो मैंने बात की आपसे 3 और 3+ सर्वेंट क्वार्टर की, इसमें एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है, लेकिन 4 BHK के जो साइज 3150 का है, इसमें एक फ्लोर पे दो ही अपार्टमेंट है, और इसका सेकेंडरी मार्केट का प्राइस इस टाइम 3.50 CR था। अगर हम पिछले 2-2.5 साल पहले की बात करें तो 2 करोड़ के आसपास चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो जाती थी, पर जैसे जैसे कनेक्टिविटी खुल रही है इस एरिया में, लोगों को अच्छा खासा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और प्राइस में आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ की चीज अब 3.5 करोड़ के आसपास में ट्रेड कर रही है। अगला प्रोजेक्ट SBTL का कैलेडियम है, जैसे मैंने बताया लाइसेंस कोकून का और कैलेडियम का एक था, लेकिन वो डेवलपर द्वारा सेल कर दिया गया, तो कैलेडियम का प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट बना है। टोटल लैंड एरिया इसके अंदर 2.87 एकड़ है, टोटल यूनिट्स इसके अंदर 152 है, और टावर की बात करें तो 4 है। लॉन्च दिसंबर 2011 में हुआ था, और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट दिसंबर 2017 के अंदर हुआ। इसके अंदर साइजेस की बात करें तो 1880 स्क्वायर फीट से लेकर 2545 स्क्वायर फीट है। इसका फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वहीं 4 BHK की बात करें तो 2980 से लेकर 3055 स्क्वायर फीट का है, और 4 BHK ड्यूप्लेक्स की बात करें तो 3250 स्क्वायर फीट का है। 4 BHK सर्वेंट क्वार्टर प्लस स्टडी रूम की बात करें तो 4035 स्क्वायर फीट का है, 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस स्टडी रूम की बात करें तो 5000 स्क्वायर फीट का है। प्राइस जब बुक हुआ था 2011 के आसपास 3000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास डेवलपर ने बुक किया था, और आज के टाइम पे सेकेंडरी मार्केट पे 7000 से लेकर 7200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में ये ट्रेड कर रहा है। ATS कोकून और कैलेडियम का जो कमर्शियल है वो कैलेडियम के पास है, मतलब वो पोर्शन जो कन्वीनियंट शॉपिंग का होता है वो कमर्शियल कैलेडियम के पास है। अभी तक उसका OC नहीं आया है, इसीलिए आप उसे फंक्शन नहीं देख पा रहे हैं। इस कमर्शियल की कनेक्टिविटी जो कैलेडियम और कोकून के बीच की रोड है उससे कमर्शियल की कनेक्टिविटी है। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट जो कि ATS टर्मलिन है, जो कि 11 एकड़ है, 417 यूनिट्स है, टोटल टावर 5 है, और फ्लोर्स की बात करें तो टोटल 22 है। प्रोजेक्ट की लॉन्च डेट दिसंबर 2013 थी और कंप्लीशन की डेट 2018 है। 3 BHK यहाँ 1750 स्क्वायर फीट का है, और 3+ सर्वेंट क्वार्टर की बात करें तो 2150 स्क्वायर फीट का है। दोनों के स्क्रीन पे आप फ्लोर प्लान अभी देख रहे हैं।
वहीं 4 BHK की बात करें जो 2585 स्क्वायर फीट का है, 3 बेस का फ्लोर प्लान देख रहे हैं आप। नेक्स्ट 4 BHK लार्ज है जो कि 3150 स्क्वायर फीट का है, स्क्रीन पे आप इसका फ्लोर प्लान देख रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में इसका प्राइस 9000 से लेकर 9500 रुपीस पर स्क्वायर फीट चल रहा है। अगला प्रोजेक्ट ब्रिस्क लुम्बिनी टेरेस होम है। जी हाँ, जैसा नाम है वैसा ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की USP है कि बड़ी बालकनी है जो कि टेरेस का फील देती है। इतनी बड़ी बालकनी जिसमें आप अच्छी खासी पार्टी भी कर सकते हैं। टोटल लैंड एरिया 6.16 एकड़ है। इसके अंदर टोटल 275 यूनिट्स हैं, 5 टावर हैं इसके अंदर, जिसकी लॉन्च हुआ था करीब मार्च 2011 में और प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ 2016 एंड में। 3 BHK का साइज इसके अंदर 1871 स्क्वायर फीट का है। ये ई टावर के अंदर पड़ता है जिसका आप अब स्क्रीन पे फ्लोर प्लान देख रहे हैं। वहीं 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर जो कि 2177 स्क्वायर फीट का है, इसका स्क्रीन पे आप फ्लोर प्लान देख रहे हैं और साथ में 4 BHK 2850 स्क्वायर फीट का है, इसका स्क्रीन पे आप फ्लोर प्लान देख रहे हैं। सेकेंडरी मार्केट में 3 BHK का रेट 1.20 है और 3 प्लस सर्वेंट क्वार्टर का प्राइस 1.40 CR है। वहीं 4 BHK का प्राइस 1.5 से लेकर 1.6 CR के बीच में है। अगला प्रोजेक्ट मैं बात करूंगा ओशियन 7 बिल्टेक का एक्सप्रेसवे टावर। ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। जब बिका था तो 4000 रुपीस पर स्क्वायर फीट जैसा गवर्नमेंट द्वारा फिक्स रेट होता है उस पर बिका था। टोटल लैंड 7.5 एकड़ है, टोटल यूनिट 1089 है, टोटल टावर 10 है। जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब ख़त्म होने की डेट तो थी यहाँ पे जुलाई 2021, लेकिन काम अभी भी रुका हुआ है तो प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अंदर 1 BHK 2 BHK 2.5 BHK के साइज हैं, 376 से लेकर 745 स्क्वायर फीट के बीच है। इस प्रोजेक्ट में बायस अभी भी पोजीशन की फाइट कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट का कंप्लीशन अभी नहीं हुआ है। अगले प्रोजेक्ट पे आते हैं। अगला प्रोजेक्ट रहेगा अथर्वा का है। इसका एक पार्ट है जो कि शिलास के नाम से भी जाना जाता है। टोटल लैंड एरिया 14.1 एकड़ है। टोटल इसके अंदर 774 यूनिट्स हैं, 11 इसके अंदर टावर है। और शिलास की बात करें तो 2009 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसके अंदर 3 टावर्स थे, टोटल 153 यूनिट्स थी। बाद में डेवलपर ने शिलास के नाम से फ्लोर भी लॉन्च किए जो कि 2010 के अंदर आया था। अथर्वा लॉन्च 2007 में हुआ था और 11-12 के आसपास में इसका कंप्लीशन हुआ। शिलास का कंप्लीशन 13-14 के आसपास, मतलब साल 2013-14 के आसपास हुआ। 2.5 BHK 1450 स्क्वायर फीट का जिसका फ्लोर प्लान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये प्रोजेक्ट का ऑलरेडी पोजीशन हुआ है जैसा मैंने आपको बताया। और 3 BHK जो कि 1807 और 1950 स्क्वायर फीट का, इसका भी स्क्रीन पे आप फ्लोर प्लान देख रहे हैं। नेक्स्ट साइज इसका 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर का है, 2381 स्क्वायर फीट का है, स्क्रीन पे आप इसका फ्लोर प्लान देख रहे हैं। नेक्स्ट साइज इसका 4 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर का है, 3054 स्क्वायर फीट का है, स्क्रीन पे आप इसका फ्लोर प्लान देख रहे हैं। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 24 से 2700 रुपीस पर स्क्वायर फीट। धीरे धीरे डेवलपर ने रेट बढ़ाए और आज के टाइम पे सेकेंडरी मार्केट का प्राइस 4500 से 5500 रुपीस पर स्क्वायर फीट चल रहा है। यहाँ पर भी RW और डेवलपर के बीच में फाइट रेगुलर चल रही है। लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर ऑलरेडी अथॉरिटीज को कई बार अप्रोच भी कर चुके हैं और अब इस प्रोजेक्ट का रेनोवेशन का काम भी चलता हुआ दिख रहा है। अगला प्रोजेक्ट चेंटल सेरेनिटी है। टोटल 9.75 एकड़ है, टोटल 444 यूनिट्स हैं, मतलब 444 यूनिट्स हैं और 9 टावर है। करीब 2014 में ये लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट कम्प्लीट 2020 के आसपास हुआ है और फेज वन के अंदर 3, 4, 5 ये 3 टावर लॉन्च किए थे और स्टिल प्लस 20 फ्लोर्स के ये टावर थे। टावर 3 के अंदर 4 BHK है, 2-2 का कोर है, 2925 स्क्वायर फीट का है और टावर 4 के अंदर 2325 स्क्वायर फीट का साइज है जो कि 3 BHK सर्वेंट क्वार्टर लार्ज है। और ये टावर 4 के अंदर है, 2-2 का कोर ये भी है। और वहीं टावर 5 की बात करें तो 2100 स्क्वायर फीट में 3 BHK का साइज है, 2-2 का कोर ये भी है,
2-2 कोर जो प्रोजेक्ट होता है, इसकी खास बात ये लगती है कि विजिबिलिटी ऑलरेडी मतलब 3 साइड ओपन अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट हो जाता है और लिफ्ट एक तरफ होती है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट 4 साइड ओपन ही दिखता है, तो ओपननेस काफ़ी दिखती है, बड़ी बालकोनीज हैं, ये इस प्रोजेक्ट की USP है। अब बात करते हैं टावर 5 की। टावर 5 भी 2100 स्क्वायर फीट का है और टावर 6 भी 2100 स्क्वायर फीट का है। टावर 5 ऑलरेडी डेवलपर ने सेल किया है और टावर 6 की बुकिंग अभी ओपन ही नहीं की थी। दोनों साइजेस जैसे मैंने बताया 2100 स्क्वायर फीट के हैं और 2-2 कोर ही हैं ये। बाद में जब रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ी सी मंदी आई तो उस टाइम डेवलपर ने साइज़ के ऊपर वर्क किया, तो साइज इसके अंदर 1590 स्क्वायर फीट का 3 BHK निकाला गया और 1955 स्क्वायर फीट का 3+ सर्वेंट क्वार्टर निकाला गया। तो ये टावर 8 आप देखते हैं जो 1590 स्क्वायर फीट का है और साथ में टावर नंबर 9 जो कि 4 BHK का है, इसका साइज 2925 स्क्वायर फीट का है। वहीं टावर 1 और 2 जो कि स्टिल प्लस 17 फ्लोर्स का है, वहाँ 3 BHK 1955 स्क्वायर फीट वाली ही है। शुरू में आपने देखा होगा कि एंट्रेंस टावर के बीच में से थी, लेकिन एक्चुअल में वो बीच में ग्रीन एरिया है, एंट्रेंस टावर के बाहर से है, तो ग्रीन एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर भी अच्छा खासा दिखता है क्योंकि पहले रोड नहीं थी यहाँ पर, तब ग्रीन एरिया उतना बड़ा नहीं दिखता था, लेकिन अब जब फाइनल पोजिशन होगा इसका तो ग्रीन एरिया इस प्रोजेक्ट का काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगला प्रोजेक्ट। अगला प्रोजेक्ट चिंटल पैराडिसो है जो कि 12.36 एकड़ का था। टोटल यूनिट्स इसके अंदर 532 हैं, टोटल टावर इसके अंदर 9 है और 2011 में ये लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट कंप्लीट, अप्रॉक्सीमेटली 2017 के आसपास हो गया था ये। इसके अंदर 3+ सर्वेंट और 4 BHK के साइज है। 3 BHK 1785 स्क्वायर फीट का था और 3+ सर्वेंट जो कि 2050 स्क्वायर फीट का था और 4 BHK 3150 स्क्वायर फीट का था। जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो स्टेज वाइज इसके रेट थे, बेसिक सेलिंग प्राइस की बात करें तो 3275, 3900, फिर 4350, फिर 4500, फिर 5500 और फिर 6575 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था। कुछ समय पहले आपने सुना होगा डी टावर में जो ड्राइंग रूम है उसकी रूफ गिर गई थी, जो गिरी तो उससे 6-7 फ्लोर की जो ड्राइंग फ्लोर की रूफ है वो गिरती चली गई और फर्स्ट फ्लोर पर आके रुकी। तो इसका ऑडिट हुआ, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ऑडिट करवाया तो ये पाया गया कि डी, ई, एफ, जी और एच टावर बाद में अनसेफ डिक्लेयर हुआ, लेकिन डी, ई, एफ, जी टावर पहले से ही अनसेफ डिक्लेयर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया है। यहाँ पे डेवलपर द्वारा 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट प्लस अदर चार्जेस जैसे कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चार्ज अगर कोई बायर ने पे किया है वो, और साथ में इंटीरियर की वैल्यूएशन जो गवर्नमेंट करवाएगी उस हिसाब से बायबैक का ऑप्शन भी दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इश्यूज जल्दी ही सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में मैं आपको कनेक्टिविटी बताऊंगा, तो कनेक्टिविटी 150 मीटर से इसकी है। सेक्टर रोड जो कि 106-109 का डिवाइडर है वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है। आप जाते हैं सेक्टर रोड से तो पहला प्रोजेक्ट आपको राइट हैंड साइड पे रेजिडेंशियल कैरेडियन दिखता है, फिर 80 स्पोकोन दिखता है। वहीं पे आप राइट टर्न लेते हैं, राइट टर्न लेके आगे जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे रहेजा अथर्वा दिखता है और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रिस लुम्बनी भी दिखता है। वापस आइए रहेजा अथर्वा के पास, लेफ्ट टर्न लीजिए तो राइट हैंड साइड पे इंटरनेशनल सिटी दिख रही है जो कि फेस 1 है। यहाँ रो हाउसेज हैं, वहीं लुम्बनी के सामने भी 270 स्क्वायर यार्ड के रो हाउसेज हैं, लेकिन रोड के ऑपोजिट 24 मीटर रोड के ऑपोजिट की बात करें तो यहाँ 400 और 500 स्क्वायर यार्ड के विलास भी बने हुए हैं और साथ में आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये चिंटल्स पैराडिसो है। अब बात करते हैं ब्रिस्क लुम्बनी के साथ अगर हम टुवर्ड्स 75 मीटर रोड चल रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे चिंटल सेरेनिटी है और उसके आगे ATS का टर्बोलिन प्रोजेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड में एरिया हम जो देख रहे हैं आप, ये ओपन स्पेस दिख रहा है। फर्दर फ्यूचर में यहाँ प्लॉटिंग एक्सपेक्टेड है और थोड़ा सा आगे चल के ये देखते हैं तो ये इंटरनेशनल सिटी क्लब यहाँ ऑलरेडी फंक्शनल है। आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस हो या रेलवे स्टेशन हो या सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन हो या फर्दर फ्यूचर में जो मेट्रो कनेक्टिविटी कृष्णा चौक से मिलने वाली है, ये सब कनेक्टिविटी अपने आप में इस सेक्टर को बेहतरीन बना देती है। और फिर स्कूल्स की बात करें तो खुद सेक्टर 109 में ही यूरो स्कूल और ज्ञानंदा स्कूल है जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो बच्चों को यहाँ
जो लोग रह रहे हैं उनके बच्चों को यहाँ बहुत ज़्यादा कोई दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूलिंग भी हो जाती है। और कमर्शियल के लिए कॉन्शेंट वन मॉल ऑपरेशनल है, तो कमर्शियल की भी कमी कॉन्शेंट वन यहाँ पूरी कर देता है। फर्दर फ्यूचर में और कमर्शियल्स भी यहाँ पर आएंगे, तो कमर्शियल का भी बहुत ज़्यादा कोई अभाव नहीं रहेगा। और हॉस्पिटल्स की बात करें तो पालम विहार साथ में यहाँ ऑलरेडी बहुत पुराना एस्टेब्लिश सेक्टर है, तो यहाँ मणिपाल और पार्क हॉस्पिटल ऑलरेडी यहाँ पे रन कर रहे हैं। और ऑफिस स्पेस की बात करें तो उद्योग विहार, ओल्ड गुड़गांव रोड पे यूनिटेक बिजनेस पार्क और NH 48 के ऊपर साइबर सिटी, ये ऑफिस स्पेस की लोकेशन है जहाँ पर लोग काम करने वाले यहाँ रहना पसंद करते हैं। वैसे तो ओवरऑल आसपास के बहुत सारे एरिया हैं जहाँ ऑफिस स्पेस अभी है, और फ्यूचर में आपको एक्सप्रेसवे के ऊपर ही ये सारी इस्टेब्लिशमेंट मिलेगी। जैसे सेक्टर 114 और 115 सेक्टर कमर्शियल सेक्टर्स हैं, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे भी ऑफिस स्पेस और रिटेल की कोई कमी मेरे को फ्यूचर में नहीं दिख रही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सेक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन, हर प्रोजेक्ट की कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। फ्यूचर में और ऐसे रिव्यूज सेक्टर के देखने के लिए, हर छोटे छोटी इन्फॉर्मेशन सेक्टर की देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब किए, क्योंकि मैं आपको हर सेक्टर की कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। नमस्कार, जय हिंद।